जी अस्सलाम वालेकुम। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि फार्म पर मक्खियों को कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि आजकल मक्खियों का सीज़न चल रहा है। एक तो ये जानवरों को डिस्टर्ब करती हैं, इसके अलावा ये मुख्तलिफ बीमारियां जानवर से दूसरे जानवर में फैलाती हैं। यहाँ पर जो सबसे पहले चीज़ आती है वो है सफाई। फार्म पर सफाई का होना बहुत ज़रूरी है। एक तो शेड का साफ़ होना, दूसरा मिल्किंग एरिया, इसके अलावा जिधर आप जानवरों का गोबर फेंकते हैं उसका साफ़ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर मक्खियों की वसाइश ज़्यादातर होती है। तो जितना फार्म का माहौल बेहतर होगा उतनी ही मक्खियों की वसाइश कम होगी। तो सफाई है जी बुनियादी चीज़, इसका आपने खास ख्याल रखना। कुछ लोग फार्म पर मक्खियों को कंट्रोल करने के लिए जहरीली अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, जो कि जानवरों के लिए नुकसानदायक भी हो सकती हैं। जानवरों के लिए आपको सेप्रमेथ्रिन और डेल्टा मेथ्रिन के नाम से अद्वियात मिल जाएंगी, जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लिक्विड की सूरत में आप अपने फार्म पर स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा एक दानेदार दवाई आती है, उस पर एक तो जहर लगी होती है और एक केमिकल लगा होता है जो कि मक्खियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इस दवाई का नाम है जी ज़ाज़ा फ्लाई। इसे आप किसी चीज़ में डालकर फार्म के एक कोने या दरमियान में रख देंगे, मक्खियाँ खुद ब खुद इस पर अट्रैक्ट होकर केमिकल की वजह से मर जाएंगे। तो सफाई सुथराई को अपनाकर आप मक्खियों पर कंट्रोल कर सकते हैं, जानवरों की प्रोडक्शन भी बढ़ेगी और आपको मुनाफा भी होगा। तो आज के सेशन में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।